आप क्या फीलिंग है पाकिस्तान? आई थिंक द वे ओवर द मून इस वक्त, तो हमारी ये फीलिंग है कि आ जाए इंडिया, दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ है। पक्की बात है। आप चाहती हो कल इंडिया जीते? एब्सोल्युटली चाहते हैं कि इंडिया जीते। हम रिपीट करना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच, और इस दफा पाकिस्तान जीत के दिखाएं इंशाल्लाह। जी मैं बहुत एक्साइटेड इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा से देखना चाहूंगी, और इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि हम जीते। अल्लाह करे कल इंशाल्लाह जीते। हमारी पूरी दुआ इंडिया के साथ है, हम उनको फुली बैकअप करेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी देम इन द फाइनल्स एंड हैव अ गुड गेम एंड फुल एमसीजी। वेयर डज दिस हैपन? आपने कहा कि आज इंडिया देख लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस? एब्सोल्युटली आज आपने देख लिया। When we put our heart into it, we can do anything. Inshallah. आप क्या कहेंगी? I think that Pakistan's going to win. Pakistan final जीत रहा है? Yes. आप क्या कहेंगी? Pakistan जीत जाएगा. Pakistan will win. और बहन से बात करके आप मुझे बताएं, आप इंडिया फाइनल में आ गया तो हमें तंग नहीं करेगा? बिल्कुल तंग नहीं करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान can win, can beat anyone in the world. We are the best. We rock. हम कहा हरा लेंगे, हरा लेंगे। हाँ हरा विराट, हाँ हम इंडिया को। क्या कह रही हैं आप? मुझे विराट से बहुत डर लगता है। वो जो जो आंखें वो दिखाता है ना। I don't want India to win the semi-final, sorry. I want England to go. I want to beat England. क्योंकि फिर हम जीत जाएंगे। पक्का पक्का। Inshallah, I think Pakistan will win the final definitely. India is weak. I want to say one thing more. This is really important. This game is for Imran Khan, inshallah. आज यहाँ जी भाई क्या हुआ यार? पहले तो ये मैं किसको देखना चाहूँगा? लड़की कह के गई है कि आज इंडिया देख लेंगे, क्या कहोगे? और सर इंडिया आवे पावे आवे इंग्लिस्तान, असि जे भंगड़े हथे पाए ने असं उत्थे भी पा रहे हैं, तुम टेंशन ना लो। और अगर इंडिया आया ना तो तुम समझो कि हम उनको दुबई मुंबई एयरपोर्ट में खुद छोड़ के आएंगे, और आइंदा ऑस्ट्रेलिया में खेलने नहीं आएंगे, वो टेंशन फ्री हो जाए। और सर अल्लाह करो बाबर रिजवान को देखो 152/0, आपको याद नहीं है? इंशाल्लाह आप टेंशन फ्री हो जाए, 10 विकेटों से हराएंगे। इंडिया आए तो सही, उनकी तो वैसे ही मैम मर गई होगी उधर, टेंशन फ्री हो जाए। एडिलेड में उनके हाथ पैर भूल गए हैं, सूर्या कुमार यादव कह रहा होगा और यार इनको तो हमने बाहर निकाला था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैच छोड़े थे और ये फिर आ गए हैं, और हम नहीं जाते, ये वर्ल्ड कप हमारा है और लेके जाएंगे तुम्हारे सामने। ओके सर, आपकी क्या जज्बात है? भाई मैं कहना दोनों टीमें रल के आ जाएं, फिर भी नहीं जीतियां, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा और जीतेगा। भाई इंडिया की टीम एवरी टीम है, आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा होगा कि वो छोटी टीमों के साथ भी बड़े मुश्किल से उन्होंने मैच जीते हैं, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जानबूझ के जो मैच हारा था पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए, लेकिन कुदरत का खेल कुछ और था, कुदरत कुछ और चाहती थी, और कुदरत ने भी सेमीफाइनल में मौका दिया, हमने दिखा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, जाने और जाने जो कप लेके जाएंगे। नहीं नहीं मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता अपने भाई को। मजा है मैच देखने में, इस तरह का मैच हमेशा होने चाहिए। लड़के कहते इंडिया है देख लेंगे, नहीं होनी चाहिए, साथ तो मैच तो होने चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा सर लाइव होने चाहिए, सब मिलके देखें, एमसीजी फुल होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेलबर्न सिडनी सब लोग वहाँ पे पहुंच रही है, मैच देखने चाहिए, सबको वहाँ पे आने चाहिए, एक फ्रेंडली मैच होने चाहिए, और सारे दोनों कंट्रियों का आने चाहिए वहाँ पे।